आज के क्लास के अंदर हम फोकस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर 5 के ऊपर. विच आर द स्पेशलिटीज इन द टेबल 5. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास ओनली. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन टेबल 5. बोर्ड के ऊपर मैंने 5 का टेबल लिखा है. तो 5 के टेबल के अंदर भी कुछ ऐसी स्पेशलिटी छुपी हुई है जो 5 के टेबल को दूसरे नंबर्स के कुछ तरीके से यूनिक बनाती है. तो यहां पे मैं बात करता हूं ऐसी दो स्पेशलिटीज के बारे में जो 5 के टेबल को दूसरे नंबर से कुछ यूनिक बना देगी. आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर कि 5 के टेबल के अंदर मिलने वाले सभी आंसर्स का लास्ट डिजिट या तो आपको 0 है या तो आपको 5 मिल रहा है. 5 के टेबल में मिलने वाले सभी आंसर्स का लास्ट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है. दिस इज द बिगेस्ट स्पेशलिटी वी कैन ऑब्जर्व इन द टेबल 5. ये कहीं लोगों को पता होता है कि 5 के टेबल के अंदर ऐसी स्पेशलिटी है कि लास्ट डिजिट या तो 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा. कहीं लोगों को यह पता होता है. अभी यदि आप यही स्पेशलिटी को एक स्टेप आगे लेकर के जाए तो हमें यह सोचना चाहिए कि चलो हम ये सोचे कि जब मैं 5 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करूं तो मुझे आंसर का लास्ट डिजिट 0 मिलेगा. मैं 5 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करूं तो मुझे लास्ट डिजिट 5 मिलेगा. तो यही बात को मैंने आगे बढ़ाया है. जब 5 का मल्टीप्लीकेशन आप इवन नंबर के साथ करते हो तो लास्ट डिजिट बन जाता है आपका आंसर का 0. और जब भी आप 5 का मल्टीप्लीकेशन ऑड नंबर के साथ करते हो तो आंसर का लास्ट डिजिट बनेगा 5. एग्जाम्पल देता हूं. अब यहां पे ही देखिए, 5 टू जा 10, 2 इज इवन नंबर तो आंसर का लास्ट डिजिट बन गया 0. 4 इज सॉरी आंसर इज इवन, 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन, 8 इज इवन, 10 इज इवन. दीज आर इवन नंबर्स. सो व्हेन दीज नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विथ 5, यू कैन सी व्हेन इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 5, आंसर्स लास्ट डिजिट बिकम्स 0. You can see 20, 30, 40 and 50. So it is very much clear when you multiply 5 with any even number, the last digit of the answers becomes 0. And when you multiply 5 with any odd number, last digit of the answers become 5. We have example on the board. Let's see the example on the board. Say for example, the number is 1. Here we are going to discuss about that odd number, those odd numbers. We have 1, 3, 5, 7, 9. These are odd numbers we are having on the board in the table 5. Each and every answer, if you will observe in this table, when you are multiplying 5 with odd number, last digit is 5, 5, 15, 25, 35, 45. तो स्पेशलिटी यहां से स्पेशलिटी स्टॉप नहीं होती है. अब ये दो चीज, पहली चीज व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 विथ इवन नंबर लास्ट डिजिट बिकम 0. व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 विथ एनी ऑड नंबर द आंसर विच यू आर गेटिंग हैज लास्ट डिजिट 5. यही चीज को हम अप्लाई करते हैं. सबसे पहली स्पेशलिटी है इवन नंबर्स. यहां पे मैं 5 को, यहां पे मैं 5 को इवन नंबर के साथ जो है वो लिख देता हूं. 5 टू जा 10, 5 फोर जा 20, 5 सिक्स जा 30, 5 सेवन जा सॉरी 5 एट जा 40 एंड 5 टेन जा 50. आई हैव रिटर्न दोज नंबर्स विच आर इवन. यू कैन सी 2, 4, 6, 8 एंड 10. 5 के टेबल में जुड़े हुए ऐसे ही नंबर्स का लिस्ट मैंने यहां पे डाल दिया है जो नंबर इवन है. नाउ लेट्स ऑब्जर्व वन थिंग. 5 टू जा 10, हाउ? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 5 विथ 2 मींस इवन नंबर, 2 का हाफ कर दीजिए 1 आ जाएगा. यस, बाजू में 0 लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा. 5 टू जा 10, 5 फोर जा करना है, 4 का हाफ कीजिए 2 आ गया, बाजू में 0 लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा. 6 का हाफ कीजिए 3 आएगा, बाजू में 0 लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा.
इफ यू मल्टीप्लाई ए फाइव विथ एट, एट का हाफ कर दीजिए, फोर बाजू में जीरो लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा. टेन का हाफ फाइव कर दीजिए, बाजू में जीरो. सो इनडायरेक्टली यदि आपने ये चीजें ध्यान से देखी होती तो आपको ये पता चलता कि जब भी हमें फाइव का मल्टीप्लीकेशन किसी भी इवन नंबर के साथ करना है, आपको सिर्फ आंसर का मिस क्वेश्चन का हाफ कर देना है, बाजू में जीरो लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल यदि आपको 88 फाइजा करना है, व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी इवन नंबर विथ फाइव, जस्ट हाफ द नंबर एंड पुट जीरो बिसाइड इट. यहां पे मैं बात करूं 88 की, 88 का हाफ कीजिए कितना आएगा, 44 आ जाएगा, बाजू में जीरो लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा 88 फाइजा का. सो व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई फाइव विथ एनी इवन नंबर, जस्ट हाफ द नंबर एंड पुट जीरो बिसाइड इट, यू आर हैविंग योर आंसर. कोई भी नंबर ले लो यदि इवन है, जैसे कि मैं बात करूं 64 की, व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 64, जस्ट हाफ द नंबर ऑफ 64, 32 विल बी देयर, आंसर इज 0, 320 विल बी योर आंसर. अभी हम बात कर रहे हैं ओनली इवन नंबर, यहां पे मैंने हेडिंग भी दे दिया है, व्हेनेवर यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद एनी इवन नंबर, जस्ट हाफ द नंबर एंड पुट 0 बिसाइड इट, यू विल हैव योर आंसर. राइट, से फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जाम्पल आपको करना है 96 फाइजा, सिर्फ इतना ही आना चाहिए कि 96 का हाफ क्या होता है. 96 का यदि हाफ करोगे 48 आ जाएगा, बाजू में जीरो लिख दो, आंसर मिल जाएगा 96 फाइजा कितना आएगा, 480 आ जाएगा. नाउ एक स्टेप और आगे जाते हैं, यहां पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये रूल क्या सिर्फ दो डिजिट के नंबर में ही अप्लाई होता है, यदि बड़ा नंबर हो तो भी हम ये रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए. तो आपका यहां पे मैं डाउट सॉल्व कर दूं, ये कॉन्सेप्ट किसी भी नंबर के अंदर यूज कर सकते हो आप. 3, 2, 4, 6 फाइजा करना है आपको, क्या करेंगे आप, इसका हाफ करोगे. 3 का तो हाफ होगा नहीं, 32 का हाफ कर दो कितना होगा 16, 4 का हाफ कितना होता है 2, 6 का हाफ कितना होता है 3. तो ये जो नंबर है इवन था तो मैंने हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद जीरो लिख दो, आंसर मिल जाएगा. When you multiply 3, 2, 4, 6 multiplied with 5, answer will be 16230. Whenever you have to multiply any number with any even number with 5, अभी हम बात even number की कर रहे हैं जिसके अंदर last में 0, 2, 4, 6, 8 है. कोई भी number क्या, कोई भी number यदि even है तो उसका half करने के लिए मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ करने के लिए वो नंबर का हाफ कर दीजिए, बाजू में जीरो लिखे. मैं बात करूं 5, 8, 6, 4 फाइजा, 5 का हाफ नहीं हो सकता, 58 का हाफ हो जाएगा कितना होगा 29 होगा, 64 का हाफ कितना होता है 32 होता है, बाजू में जीरो लिख दो, आंसर मिल जाता है. अभी आपको लगेगा चलो एक और मिरेकल दिखा देता हूं, मैजिक दिखा देता हूं. आपको लगता है भाई 3, 2, 6, 8, 5, 1, 3 सॉरी 5, 1, 8, 5, 9, 8, 6, 8 फाइजा, ये इवन नंबर मैंने लिख दिया. कितना बड़ा नंबर लिखा है मैंने यहां पे, मैंने 9 डिजिट का नंबर लिखा है. आई हैव रिटन अ 9 डिजिट नंबर ऑन द बोर्ड एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ 5. 32 का हाफ कितना होता है 16, 6 का हाफ कितना होता है 3, 8 का हाफ कितना होता है 4, 5 का हाफ नहीं पता है नो प्रॉब्लम, 5, 98 का हाफ पता होना चाहिए, या फिर आप कर दो मेंटली, आ जाता है तो इट्स ओके, नहीं भी आता है तो चिंता मत करना. इसके बाद का हमारा चैप्टर है डेरिवेटिव्स ऑफ नंबर, उसके बाद आएगा रिवर्स मल्टीप्लीकेशन, आंसर के ऊपर से क्वेश्चन कहने का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगा. उसके बाद हम डिविजन स्टार्ट करेंगे. कितने भी बड़ा डिविजन है तो मेंटली आप नंबर को देख के वो नंबर को डिवाइड कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. तो यदि आप 598 का डिवाइड करोगे 299 आ जाएगा, 68 का हाफ आएगा 34. तो अल्टीमेटली मैंने जो बॉर्ड के ऊपर नंबर लिखा है वो नंबर का हाफ मैंने कर दिया, जैसे ही हाफ हो जाए बाजू में जीरो लिख दो, आंसर मिल जाएगा इस तरीके से आपका. अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर इवन नंबर है तो हाफ हो जाएगा, ऑड नंबर का हाफ करते हैं तो आंसर पॉइंट में आता है. When you divide any even number with 2, means when you are dividing any number by 2, when you are doing half of the number which is even, आप directly वो number का half कर पाओगे. What you have to do when the number is odd?
जब नंबर ऑड है तो क्या करें, जैसे कि मैं बात करूं फाइव वंजा, यहां पे मैं फाइव का टेबल, फाइव के टेबल के अंदर आने वाले ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं जो ऑड है, फाइव वंजा, फाइव थ्रीजा, फाइव फाइवजा, फाइव सेवनजा एंड फाइव नाइनजा, आई हैव रिटन 13579 ऑन द बोर्ड, यू कैन सी। तो हमने अभी इससे आगे वाली स्लाइड के अंदर ये भी सीखा था कि कोई भी नंबर का आप कोई भी ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइव के साथ करते हो तो आंसर का लास्ट डिजिट फाइव ही आना चाहिए। चलो हम सभी के आंसर चेक कर ले, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव। ये हो गया हमारा फाइव का टेबल। अभी हम इवन नंबर के अंदर हम क्या करते थे, हाफ कर देते थे, बाजू में जीरो लिख देते थे। नंबर ऑड है तो एक स्टेप एड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही ध्यान से सुनना। डायरेक्ट हाफ मत कीजिए, एक माइनस करके हाफ कीजिए। जैसे कि मैं बात करूं थ्री की, थ्री का हाफ नहीं करना है, थ्री माइनस वन कर दीजिए, थ्री माइनस वन करूंगा टू आएगा, टू का हाफ कितना आएगा वन, बाजू में लिख दीजिए फाइव, आ गया आंसर। फाइव का हाफ नहीं करना है, फाइव में से एक माइनस कर दीजिए, फाइव माइनस वन इज फोर, फोर का हाफ कितना आएगा टू, बाजू में फाइव लिख दो, ट्वेंटी फाइव आंसर हो जाएगा। सेवन माइनस वन कीजिए, सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स का हाफ कर दीजिए बस, सिक्स का हाफ कितना आएगा, सिक्स का हाफ आएगा थ्री, बाजू में लिख दो फाइव, आंसर हो गया थर्टी फाइव। नाइन का हाफ कर दीजिए, नाइन का हाफ कितना आएगा, नहीं आएगा, नाइन माइनस वन कर दीजिए, एट, एट का हाफ कितना आएगा फोर, बाजू में लिख दीजिए फाइव, राइट। सो मान लीजिए कि नंबर बड़ा है तो क्या करें, तो कौन नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइव के साथ करना है तो एक माइनस करके हाफ करना है। जैसे कि मैं बात करूं 65 फाइजा आप करना चाहते हो, एक माइनस करके हाफ कर दीजिए, 65 का हाफ मन वन माइनस करूंगा कितना आएगा 64 आएगा, 64 का हाफ कीजिए कितना आएगा 32। यहां पे तो ऑड नंबर के बाजू में तो लास्ट में फाइव ही आंसर के बाजू में आता है 325, राइट। कोई भी नंबर का यदि मल्टीप्लीकेशन फाइव के साथ करना है ऑड नंबर का तो एक माइनस करके हाफ कीजिए। मैं दो तीन एग्जांपल और दूंगा, दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं 29 फाइजा मुझे करना है, ऑड नंबर है तो एक माइनस कर दो, 29 माइनस वन कितना आएगा 28, वन माइनस करके हाफ करो, 28 का हाफ कर दो 14, बाजू में लिख दो फाइव, 29 फाइजा 145 आंसर देगा आपको। One more example, let's discuss about one more example. Suppose you have to multiply 47 faiza. If you have to do 47 faiza, you have two steps. One minus karke half kijiye. 47 minus 1 is 46. 46 ka half kar dijiye 23. Baju mein likh dijiye 5, answer aa jayega 235. Whenever you have to multiply any odd number with 5, just subtract 1. One minus karke half kar dijiye, answer mil jayega. Now, बहुत स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट एक ही क्लियर होना चाहिए, आपका एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक माइनस करके क्या आप मेंटली हाफ कर सकते हो नंबर का? यदि नहीं कर सकते तो चिंता मत कीजिए, मैं इसके बाद ऐसी भी टेक्निक दूंगा कि जहां पे आपको हाफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी भी टेक्निक दूंगा कि जहां पे आपको हाफ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे कि मैं बात करूं 3249 फाइजा, 3249 वन माइनस करके हाफ करना है, जहां तक हाफ होता है वहां पे कर दीजिए, 32 हाफ कितना होगा 16, 4 का हाफ कितना होता है 2, बचा लास्ट डिजिट, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 का हाफ 4, बाजू में लिख दीजिए 5, आंसर मिल जाएगा। जहां तक हाफ होता जाता है वहां पे करना ही है लास्ट तक, जब लास्ट डिजिट आए उसमें से एक माइनस करके हाफ करना है, बाजू में लिखना है 5। जैसे कि मैं बात करूं 5765 मल्टीप्लाइड बाय 5, कॉन्सेप्ट इतना ही, हाफ करना आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो भी चिंता मत कीजिए, आपकी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा कि जहां पे आपको हाफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर, डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। वन मोर एग्जांपल 5765, वी आर टॉकिंग अबाउट 576, लेट्स सी 576 लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी के सबका हाफ कीजिए, 576 का हाफ कितना होता है 288, अभी लास्ट डिजिट वन माइनस करके हाफ कीजिए, फाइव माइनस वन इज फोर, फोर का हाफ टू, बाजू में लिख दो फाइव, आंसर मिल जाएगा आपको 28825।
सो मैंने बड़ा नंबर इसीलिए लिया ताकि वर्ल्ड के किसी भी डिजिट में कितने भी डिजिट हो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, चाहे एक डिजिट का नंबर हो चाहे 100 डिजिट का नंबर हो, राइट कोई भी नंबर के अंदर आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक ही जाना है। नाउ ऑड नंबर है, जैसे कि मैं बात करूं 25 ऑड नंबर के अंदर 1 माइनस करके हाफ कीजिए, 25 माइनस 1 24, 24 का हाफ कितना आएगा 12, बाजू में 5 लिख दो, ऑड नंबर है तो लास्ट डिजिट 5 आता है, वो तो हमने पहले ही स्लाइड के अंदर देख लिया था। जैसे कि मैं बात करूं 39 फाइजा मुझे करना है, 1 माइनस कर दूंगा, 39 माइनस 1 इज 38 का हाफ 19, हाफ करने के बाद बाजू में 5 लिख दो, आंसर मिल जाएगा 195। This is how. I hope now you are enjoying this concept, you like this concept, and you are confident that I can multiply any number with 5 now. Got the point, everybody? Now, let's focus on the concept of written practice. Now, if you don't know how to divide any number with 2 mentally, आप नहीं जानते हो कि 2 मैं किसी भी नंबर का डिवीजन 2 के साथ कैसे करूं, इफ यू डोंट नो देन डोंट वरी, बी पेशेंट। आपको इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन अप्लाई दिस मेथड। सपोज 32 फाइव्स आपको करना है, यू हैव 3 स्टेप्स टू गेट द आंसर। Forget about the table of 32. You do not have to speak table of 32. You just have to focus on the table 5. You just have to focus on the table 5. 5 will be multiplied with 3. Always start from left side. Forget about this 2 first. 5 threes are 15. I am writing 15 under 3. Now once you are done with this, multiply 5 with 2. 5 twos are kitna aega? 10 aega. याद कर लीजिए पार्ट्स प्रैक्टिस गेम। यहां पे 2 डिजिट है तो पहले डिजिट को आगे ऐड कर दो, 15 प्लस 1 इज 16, कीप 0 एज इट इज, आंसर इज 160, आंसर इज 160। सो दिस मेथड इज ऑल्सो अवेलेबल, इफ यू डोंट नो हाउ टू डिवाइड एनी नंबर विथ 2, यू कैन गेट दिस आंसर। अभी आपने मान लीजिए कि मैंने पहली मेथड दी उसके हिसाब से आपने करना चाहते हो तो भी चिंता बिल्कुल नहीं है। क्यों चिंता नहीं है, 32 का हाफ कितना होता है 16, बाजू में 0 लिख दो, यहां पे डायरेक्ट आंसर आ जाता। यहां पे हमें टेबल से भी हम कर सकते हैं, तो यहां पे आप टेबल से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, 89 फाइव्स आपको करना है, 3 स्टेप्स ओनली, 89 के ऊपर फोकस कर लिया। हमें तो 89 का टेबल दे दिया है तो आप नहीं आंसर ला पाओगे। अरे 5 का टेबल ही तो करना है, क्यों मुझे 5 एट्स आता है, क्या हमें 5 एट्स आता है? यस वी नो 5 एट्स 40, मैंने 8 के नीचे 40 लिख दिया। वी नो 5 नाइन 45, यहां पे मैंने 9 के नीचे 45 लिख दिया। इफ यू हैव 2 डिजिट हियर, जस्ट एड दिस 4 टू 40, 40 प्लस 4 इज 44, कीप दिस 5 एज इट इज, द आंसर इज 445। तो यहां पे मैंने क्या कहा था, जब आपका ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट चल रहा था तब मैंने ये कहा था 1 माइनस करके हाफ करो, 89 में से 1 हाफ कर दो 88 आएगा, 88 का हाफ करो 44 और बाजू में 5 लिख दो, यही तो मैंने कहा था। यदि इवन है तो डायरेक्ट हाफ कर दो, यदि ऑड है तो डायरेक्ट हाफ होगा नहीं, 1 माइनस करके हाफ करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाता हूं, रिटन प्लस मेंटल प्रैक्टिस। आज एक गेम दूंगा मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम शेयर करने वाला हूं मैं आज आपके साथ। कई लोगों ने कहीं मेंटली कैलकुलेट करना स्टार्ट किया होगा, तो जिन्होंने भी स्टार्ट किया होगा उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। जैसे कि मैं बात करूं 68 फाइजा करते हो, व्हाट इज रिटन प्लस मेंटल प्रैक्टिस, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। When the question is written on the board, just by observing the question, when you are performing all the steps in your mind, you do 5 sigma mentally, you do 5 eight sigma mentally, and each and every step you perform in your mind, and after that,
just by visualizing the question in the mind, you are writing answers directly. It is known as question is written. You do answer, you perform steps in your mind. That is why it is known as written plus mental practice. Many of the students may have tried to get the answers. किसी को आपने पूछ लिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय टू करने का ट्राई किया होगा, मल्टीप्लाइड बाय फाइव करने का ट्राई किया होगा, सेवन करने का ट्राई किया. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग दिस मेथड मेंटली, आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया होगा. जैसे कि मैं बात करूं 72 फाइव आपको करना है, वॉट इज द फर्स्ट स्टेप यू डू इन माइंड. 5 7 35 5 2 10, दिस इज द सेकंड स्टेप. एंड बाय दिस टू स्टेप्स you will do answers. 0 as it is, 1 will be added to 35. 35 plus 1 is 36. You will keep this 0 as it is. Now problem kahi logo ne face kiya hoga. Yes, 5 7 za 35 aa jata hai mind mein. 5 2 za 10 bhi aa jata hai mind mein. 35 aa jata hai, 10 bhi aa jata hai. Jab aap yahan pe add karna start karte ho mind mein, tab mind mein ye jo last digit kaun sa tha wahi bhul jate honge. ये फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं बार ये दोनों हो जाता है तो क्वेश्चन ही भूल जाते हो कि कौन सा है. हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम? हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस प्रॉब्लम व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट डिजिट विथ सेकंड डिजिट, एंड जब आप आंसर के ऊपर आ जाते हो तब लास्ट डिजिट ही भूल जाते हो. अभी इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं. मान लीजिए कि 86 फाइजा आपको करना है. सबसे पहली बात, डोंट कीप टारगेट. मेरा आंसर 5 सेकंड्स में तो आ ही जाना चाहिए. आप टारगेट मत रखिए. आप टारगेट रखना चाहते हो तो एक ही रखो, मेरा आंसर सही आना चाहिए. आंसर सही आता है देन गुड, राइट? और प्रैक्टिस करते रहोगे तो कब स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेटर को बीट करने लगोगे पता नहीं चलेगा. लेकिन पहले दिन से यदि ट्राई की कि मेरा आंसर कैलकुलेटर से पहले आना चाहिए, देन कभी भी कैलकुलेटर को बीट नहीं कर पाओगे. अभी सॉल्यूशन देता हूं. वी हैव टू मल्टीप्लाई 86 विद 5. आई एम गिविंग यू अ बॉक्सिंग गेम. व्हाट इज बॉक्सिंग गेम? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, बॉक्सिंग गेम क्या है. वी हैव टू हैंड्स. सबसे पहले लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए. जब मैं आपको कहूं कि 86 नोटबुक के अंदर लिखिए, तो 86 के अंदर 8 कौन सी साइड लिखते हो आप? आंसर मत लिखिए, अभी मेरी गेम को समझिए. मैं गेम कौन सी देता हूं. 8 यू राइट ऑन लेफ्ट साइड. लेफ्ट मुट्ठी बंद कर दीजिए. आप ऐसा सोचिए कि 86 में से ये जो 8 है मैंने ये मुट्ठी के अंदर बंद कर दिया है, जो 6 है मैंने ये मुट्ठी के अंदर बंद कर दिया है. यहां पे 8, यहां पे 6. 5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाद में इसके साथ होगा. 5 8 40. अभी ये मुट्ठी के अंदर 40 है, ये मुट्ठी के अंदर बंद है. 5 6 30 40 30. यहां पे दोनों को ज्वाइन करते हो तब पहले डिजिट को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. तो विच आर थ्री स्टेप्स आई एम टॉकिंग अबाउट? दिस थ्री स्टेप्स आई एम टॉकिंग अबाउट. लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा. ये मैजिशियन नहीं होते सर्कस के अंदर, ये ऐसे 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 करके करके हम हाथ में कुछ करके आंसर लेकर के आते हैं, जो कुछ को करना है वो कर लेते हैं. इसी तरीके से हम भी कर सकते हैं. वन स्टेप, सेकंड स्टेप, आंसर. क्लियर? आप भूलोगे नहीं, क्वेश्चन को नहीं भूल पाओगे. यदि ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन आप भूल ही नहीं सकते, राइट? नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं. रिटन प्लस मेंटल के अंदर जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके बाद ही आप मेंटल प्रैक्टिस के ऊपर आ जाइएगा. व्हाट इज मेंटल प्रैक्टिस? मेंटल प्रैक्टिस मींस क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन सुनना है, विजुलाइज करना है. 76 फायदा किसी ने पूछा, दिमाग में रखो 76. मैंने आपको 3 स्टेप की मेथड दी. 76 दोनों डिजिट्स को अलग कर दीजिए. 7 6 5 7 35 5 6 30. 380 इज माय आंसर. यदि आपने सिर्फ और सिर्फ
मेरिड में आता है इसके ऊपर फोकस कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कभी भी स्पीड में आंसर नहीं दे पाओगे। लेकिन आपने इसके ऊपर फोकस किया कि मेरा आंसर सही आना चाहिए, बस भले ही 5 सेकंड में आए या 15 सेकंड में आए, मेरा आंसर सही होना चाहिए, राइट? सो इसके ऊपर यदि फोकस कर लिया तो आप एक दिन कैलकुलेटर को भी बीट कर दोगे।